के साथ यूपी के सहारनपुर में हुए दंगों पर समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट आ गई है, जिसको लेकर विवाद अब खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट में बीजेपी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट में सहारनपुर के बीजेपी सांसद राघव लखनपाल को कटघरे में खड़ा किया गया है कि उनकी भूमिका शक के घेरे में है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों ने कमेटी को बताया कि लखनपाल दंगा भड़का रहे थे। समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट में जिला प्रशासन में डीएम, एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के रोल को भी सही नहीं माना गया, यानी कि उन्होंने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई। इस रिपोर्ट के आधार पर डीएम और एडीएम का तबादला भी कर दिया गया है, लेकिन एसएसपी को क्लीन चिट दी गई है। बीजेपी के सांसद की भूमिका पर तो समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इमरान मसूद को क्लीन चिट दी गई। आपको बता दें मुकदमा इमरान मसूद पर है, लेकिन यहां पर इमरान मसूद को क्लीन चिट दे दी गई है। कमेटी ने कहा है कि वो लोगों को शांत करा रहे थे। इमरान मसूद, बीजेपी के सांसद राघव लखनपाल पर सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें 5 सदस्य कमेटी बनाई गई थी, शिवपाल सिंह यादव इस कमेटी के अध्यक्ष थे, और इस 5 सदस्य कमेटी ने 15 तारीख को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। हमारे साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, एसपी की रिपोर्ट में बीजेपी पर सवाल उठाए गए हैं और अब बीजेपी इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। जी बिल्कुल, और ये पूरा का पूरा मामला जैसे मैंने बताया कि अभी दंगे की जांच के बहाने ये जो दंगे की आंच है वो सियासी अखाड़े में चली गई है। ये अब पूरा जो है वो सपा बनाम भाजपा की लड़ाई तेज होती जा रही है। अब समाजवादी पार्टी ने रिपोर्ट बनाई तो जाहिर सी बात है अगर उसमें बीजेपी या बीजेपी के नेता जैसा कि राघव लखनपाल वहां के सांसद हैं उनके रोल पर, उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं तो बीजेपी पलटकर जवाब देगी, और यही हो रहा है। और ये दुखद बात है कि जांच जो होनी चाहिए थी वो बिल्कुल ईमानदारी से होनी चाहिए थी, उसमें किसके किसका रोल था। जैसा कि पहले मैंने बताया आपको कि डीएम और एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के बारे में कहा गया था, इनमें से कई अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया। अब राघव लखनपाल के रोल को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो बीजेपी कह रही है कि ये गलत है। तो ये पूरा का पूरा मामला सपा बनाम भाजपा हो रहा है। अमन, शुक्रिया आपका पंकज ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब सियासत हो रही है इस पूरे मुद्दे पर। हालांकि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है वो समाजवादी पार्टी ने ही ये कमेटी बनाई थी और समाजवादी पार्टी की कमेटी की रिपोर्ट है, और इसी वजह से इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के सांसद। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा है कि ये साफ हो गया है कि बीजेपी के नेता दूध के धुले नहीं है। ऐसा नहीं, वहां के एमपी का भी रोल आया है उसमें, तो ऐसा कैसे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि वो बिल्कुल दूध के धुए हुए हैं। उनका पूरा हाथ है प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी फैला रही। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा 15 अगस्त को आप भाषण में तो कहते सांप्रदायिकता 10 साल के लिए रोक देनी चाहिए, अपनी पार्टी वालों को खुद नहीं रोक रहे हैं। ये तो आप चोर से कह रहे हो, चोरी करो, सियासत से कह रहे हो, जगते रहो। इसमें दो धारणा नहीं रखनी चाहिए, दो मुआ भी नहीं बनना चाहिए, स्पष्ट नीति प्रधानमंत्री जी को घोषित करनी चाहिए। और जिन पर सवाल उठाए गए हैं, राघव लखनपाल जो कि सांसद हैं बीजेपी के, वो इस वक्त हमारे साथ खुद फोनलाइन पर मौजूद हैं। राघव लखनपाल जी, आप दंगा भड़का रहे थे, ये रिपोर्ट में कहा गया, समाजवादी पार्टी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि आप दंगा भड़का रहे थे। जी, मुझे भी अभी यही जानकारी मिली है और किसी अन्य न्यूज चैनल के द्वारा। असल में एक दिक्कत क्या आ रही है समाजवादी पार्टी को कि सहारनपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव होना है 13 सितंबर को, और ये चुनाव सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच के हैं। समाजवादी पार्टी की जमानत होगी लोकसभा की, ये घटिया हरकतें करता है। राघव लखनपाल जी, आपका ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं है, शायद आप अगर नेटवर्क एरिया में आकर बात करेंगे। राजनीति से प्रेरित है जी, आप एक बार फिर से अपना जवाब दोहराएं, क्यों आप पर निशाना साधा जा रहा है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है, आप क्या कह रहे थे, एक बार फिर से दोहराएं अपना जवाब। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 13 सितंबर को सहारनपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव होना है। जी, 13 सितंबर बहुत नजदीक है अब, और क्योंकि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में कहीं भी नहीं है, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होने वाली है, इसीलिए समाजवादी पार्टी ऐसी घटिया हरकतें कर लोकप्रियता हासिल करना चाहता है किसी एक वर्ग के वोटर्स में, ताकि उसे राजनीतिक लाभ हो। नहीं नहीं, नहीं, राघव लखनपाल जी, समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों ने, शिवपाल सिंह यादव और लोगों ने कमेटी को बताया कि आप दंगा भड़का रहे थे, ये लोगों की प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट में ऐड की गई है, लोगों ने बताया कि आप घूम-घूमकर दंगा भड़का रहे थे। देखिए देखिए, मुझे एक बात बताइए, जिन्होंने दंगा कराया वही रिपोर्ट बनाकर उसको पेश कर रहे हैं,
तो उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और जब तक मैं नहीं देखूंगा कि कौन लोगों ने क्या कहा है, तब तक इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरी भूमिका इस पूरे दंगे में ये थी कि वहां जाकर ये सुनिश्चित करना कि कोई किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, जो लोग फंसे हुए थे कहीं पर उनको वहां से निकाल कर लाना, ये मेरी भूमिका थी। और ये एक जनप्रतिनिधि की भूमिका होनी चाहिए अपने अपने लोगों के प्रति। यदि कोई जनप्रतिनिधि ऐसी भूमिका से पीछे हटता है तो फिर वो उसको त्याग पत्र देना चाहिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता वहां पर जिन्होंने दंगाइयों को एकत्र किया, उनको हथियार दिलवाए, उनको वो केमिकल दिया जिससे उन्होंने आगजनी करी है, वो लोग दंगे के लिए नहीं क्या जिम्मेदार है? क्या उनसे नहीं सवाल पूछे जाएंगे कि उन्होंने कैसे इतनी बड़ी भीड़ को एकत्र किया और क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए वो उसकी? शुक्रिया आपका। राघव लखनपाल बीजेपी के सांसद, जिन पर आरोप है दंगा भड़काने का, वो कह रहे हैं कि 13 सितंबर को सहारनपुर में उपचुनाव है और इसी वजह से इस पर सियासत की जा रही है और बदनाम करने की साजिश बीजेपी को। और साहब सिंह समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहब सिंह जी, आप पर बीजेपी सवाल उठा रही है क्योंकि आप ही की कमेटी थी, आप ही के लोगों ने दंगा करा और आप ही अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, बीजेपी कराने का, दंगा कराने का काम बीजेपी का है, चुनाव से लेके और अब तक जो है जितनी भी साजिशें दंगे की हुई हैं, जितने भी प्रदेश भर में दंगे हो रहे हैं, सब इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी दंगे करा रही है, वहां सब लोगों ने देखा, जो बीजेपी के सांसद हैं लखनपाल, वो घूम घूम के वहां पे जो है घूमते रहे, लोगों को उकसाते रहे, भड़काते रहे और ये दंगे की साजिश पूरी इन्होंने रची है, इनकी साजिश से ही वहां दंगा हुआ है। नहीं, लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आप ही की सरकार है, आप ही की रिपोर्ट है, शिवपाल सिंह यादव आप ही की पार्टी के नेता जो इसके अध्यक्ष थे, तो अपनी पार्टी के नेताओं को तो जिम्मेदार आप लोग ठहराएंगे नहीं, तो इसी वजह से क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो कमेटी बनाएगी उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए पार्टी ने जो कमेटी बनाई थी, पार्टी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, बाकी उसके अलावा सरकारी तौर पर जांच चल रही है, उनके नतीजे आएंगे उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और उपचुनाव है 13 सितंबर को, इसलिए सब हो रहा है ये कह रहे हैं। देखिए उपचुनाव लखनपाल, जहाँ जहाँ उपचुनाव है वहाँ वहाँ तो इन्होंने सब माहौल ये भी गर्मा है, सब जगह वहीं दंगे कराने की कोशिश की है, चाहे कांट का मामला हो, सहारनपुर का मामला हो, चाहे दूसरे जगह मामला, जहाँ जहाँ जो है चुनाव होने की स्थिति है वहीं पे इन्होंने जो है सारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी के नेता साहब सिंह हमारे साथ, जिनका कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश बीजेपी ने की और समाजवादी पार्टी की जो आंतरिक रिपोर्ट है उसमें बीजेपी के सांसद पर सवाल उठाए गए हैं और इस पर बीजेपी का कहना है कि जिन्होंने दंगा भड़काया वो खुद जज बनकर रिपोर्ट दे रहे हैं। जिन लोगों ने दंगा भड़काया, जिनके कारण से उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, आज वो जज बन के फिर रहे हैं और वो अपना रिपोर्ट खुद सबमिट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का क्या औचित्य है ये तो हमारे समझ से बाहर है, मगर हर कोई जानता है हिंदुस्तान में कि सहारनपुर में दंगे कंट्रोल हो सकते थे, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए वो कंट्रोल हो सकते थे अगर वहां की सरकार मुस्तैद रहती, अगर वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां मुस्तैद रहती, जो कि फेल्ड रही। तो एसपी की रिपोर्ट में बीजेपी पर सवाल उठाए गए हैं और बीजेपी रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर बीजेपी नेताओं पर आरोप लग रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के सहारनपुर में पिछले महीने हुए सांप्रदायिक दंगे पर गठित समाजवादी पार्टी की कमेटी की रिपोर्ट में स्थानीय बीजेपी सांसद पर उंगली उठाई गई है, वहीं एसएसपी को क्लीन चिट दी गई है और कांग्रेस नेता इमरान मसूद जो स्थानीय नेता है उनको क्लीन चिट दी गई। हमारे साथ राशिद अलवी है कांग्रेस के नेता, ये जो रिपोर्ट आई है उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए मैं कहूँगा रिपोर्ट हमने नहीं देखी है, लेकिन रिपोर्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश और प्रदेश कम्युनल राइट्स या कम्युनल फीलिंग्स फैलाने वालों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये देश के हित में नहीं है, ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं, देश को जोड़ने वाली बातें नहीं हैं। इसमें किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी आदमी हो, कोई भी अधिकारी हो, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। ठीक है, रिपोर्ट पर सवाल ये उठ रहे हैं कि एसएसपी को क्लीन चिट दिया गया है, डीएम और एडीएम पर सवाल उठाए गए हैं, इमरान मसूद जो आपके कांग्रेस के नेता हैं स्थानीय उनको क्लीन चिट दी गई है, बल्कि ये कहा गया है कि वो तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए काम कर रहे थे, और जो स्थानीय बीजेपी सांसद नए बने हैं उन पर उंगली उठाई गई है। तो आपको लगता है कि ये संतुलित रिपोर्ट है या आपको लगता है कि थोड़ा इसमें थोड़ी पॉलिटिक्स भी है? देखिए मैं ये इसलिए नहीं कह सकता कि ना तो मैंने रिपोर्ट पढ़ी है जी,
और ना इन सारे लोगों की क्या कार्रवाई रही है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा अगर ठीक रिपोर्ट है तो अच्छी बात है, तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर इस रिपोर्ट के अंदर कहीं भेदभाव रखा गया है तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चूंकि मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है इसलिए टिप्पणी करना उचित। आपको बताते हैं कि जिस दंगे का जिक्र बार बार हो रहा है, जिस पर यह समिति बनाई गई थी, उस दिन हुआ क्या था? दरअसल सहारनपुर में 26 जुलाई को दो गुटों में भिड़ंत हो गई थी। 26 जुलाई को दो गुटों में झड़प हुई थी। विवाद गुरुद्वारे के पास की जमीन को लेकर हुआ था। झड़प में 3 लोगों की मौत हुई थी। कर्फ्यू लगा था। दो गुटों में झड़प की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी और शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। गुरुद्वारे के पास की जमीन पर विवाद था कि रात के समय आकर वहां पर कंस्ट्रक्शन हो गया था और बताया जा रहा था कि भाई हाईकोर्ट का कोई आदेश है, वहां पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता, लेकिन रात को निर्माण कार्य हो गया जिसकी वजह से दो गुटों में झड़प हुई।